हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमएआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और ये थंबनेल देखने से आपको पता चल रहा है कि आज कुछ बीमारियों से संबंधित प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज हमारा विषय क्या है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इस वर्ष भी 28 जुलाई 2024 को पूरे विश्व में हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। और इससे संबंधित रोगियों को और इससे संबंधित रोग ना हो, इससे जो सावधानियां हमें बरतनी है उसी का हम लोग जन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी हम कोई डॉक्टर नहीं, हम इससे संबंधित किसी तरह का कोई आपको इलाज से संबंधित कोई विचार विमर्श भी नहीं कर सकते हैं, और ना हम इसमें कुछ कह सकते हैं। मैं केवल एक शिक्षक होने के नाते जो जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें आपको बताना है, जिसका अगर आप पालन करते हैं तो आप निश्चित है कि इस रोग से आप बच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में सबसे बड़ी समस्या जो है, हेपेटाइटिस जो वायरस रोग है ये क्या करता है, हमारे लीवर को प्रभावित करता है। ये देख सकते हैं, ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। ये देख सकते हैं, ये वायरस हेपेटाइटिस वायरस है जो हमारे लीवर को अटैक करता है और लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी तो लीवर में कैंसर भी होने का एक कारण होता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह वायरस जनित रोग है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए समय न गवाते हुए मैं आपको कम समय में सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले मैं देखूं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो 28 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। तो एक प्रश्न आपका तैयार है, हेपेटाइटिस जन जागरूकता कार्यक्रम, यह जो वीडियो आपके लिए है यह जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए मैं बनाया हूं, जिससे समाज जागरूक हो और इस बीमारी से लड़ने की उनके पास क्षमता डेवलप हो। हेपेटाइटिस को नजरअंदाज ना करें, उससे लड़ें, उसे नजरअंदाज मत करें, उसे हल्के में ना लें, उसे लड़ें। यानी उसके से संबंधित जो दवाएं हैं उसका हम प्रयोग करें और परहेज करें। हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है, ये हेपेटाइटिस जो है वो वायरस जनित रोग है। आप देख सकते हैं जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवक से आदि से रोग होते हैं, तो ये जो हेपेटाइटिस है वो वायरस जनित रोग है। आइए हम आगे चलते हैं, देख सकते हैं हेपेटाइटिस के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है कि व्यक्ति में हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, वायरस घुस जाता है, तो उसे हम समझने का आज प्रयास करते हैं। देखिए, संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश, रेजर, नेल कटर प्रयोग करने पर, अगर जो व्यक्ति हेपेटाइटिस से संक्रमित है अगर उसका प्रयोग किया हुआ है टूथब्रश, रेजर, नेल कटर प्रयोग अगर किया हुआ है तो उसका प्रयोग आप ना करें। अगर वह प्रयोग करते हैं तो आपको भी होने की संभावनाएं हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध होने पर, यानी जो व्यक्ति संक्रमित है उसके साथ अगर सेक्स रिलेशन आप बनाते हैं तो आप भी प्रभावित तो हो सकते हैं, हो जाएंगे, ऐसे में ऐसा न करें। खून चढ़ाने पर संक्रमित व्यक्ति के रक्त किसे संपर्क, यानी ब्लड का, जब ब्लड एक दूसरे से चढ़ाया जाता है, कभी कभी आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक तरफ ब्लड चढ़ रहा है, एक तरफ ब्लड निकल रहा है, तो कनेक्टिविटी होने के नाते वहां एक संक्रमण होने का एक खतरा होता है। या संक्रमित व्यक्ति का ब्लड निकाल करके किसी अन्य व्यक्ति में अगर आप चढ़ा देते हैं तो वहां भी खतरा होता है। हालांकि बड़ा जांच परीक्षण के बाद ब्लड बैंक में ब्लड रखे जाते हैं, पहले इस्तेमाल की हुई सिरिंज भी संक्रमण फैलाती है। यानी हम कह सकते हैं जिस इंजेक्शन का हमने प्रयोग कर लिया है पुनः किसी अन्य व्यक्ति को भी लगाते हैं या स्वयं को भी लगाते हैं तो उसे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मां से बच्चे को जन्म के दौरान संक्रमण हो सकता है, जो नवजात शिशु में भी हो सकता है, जन्म के समय बच्चों में यह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक्यूपंचर, ब्यूटी पार्लर, फेशियल, टैटू बनवाते समय उपकरणों की स्वच्छता का ध्यान न रखने पर भी यह समस्याएं आ सकती है। इसे हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिरिंज है, ये आपके यहाँ सिरिंज है जो अंधिक, ये मतलब वन यूजर है, एक बार लगाइए फेंक दीजिए। लेकिन अगर इस सिरिंज का प्रयोग आप एक से कई व्यक्तियों को लगाने का करते हैं या एक ही सिरिंज को बार बार अपने ही में लगाने का प्रयास करते हैं तो हेपेटाइटिस वायरस आप में होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि
एक बार प्रयोग करने के बाद इसे फेंक दें। हालांकि हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है, ऐसा नहीं करता है कि एक बार लगाने के बाद उसी का प्रयोग नहीं कर सकता। हमने देखा टूथब्रश, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश है या किसी भी व्यक्ति का है तो आप उसे मत करें। घरों में अक्सर छोटे बच्चे को दे दीजिए, उसको क्या दे। अरे सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को है, इसलिए हम कह सकते हैं संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश प्रयोग ना करें। देखिए यहां पे हम देख सकते हैं जब मां बच्चे को जन्म देती है उस समय भी संक्रमण का खतरा होता है। यहां पे देख सकते हैं बड़ी आज कल्चर है टैटू का, ये पूरे पीठ पे अपना टैटू बनवाया, कोई पूरे हाथ पे बनवा रहा, कोई सीने पे बनवा रहा। तो जिन उपकरणों से बनाया जाता है स्वच्छ नहीं है, उसमें सावधानी अगर नहीं बरती गई है तो भी आपको हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं पूरी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो है क्या है दूषित भोजन, दूषित भोजन करने से भी, दूषित जो जल है उसके भी पीने से, हम कह सकते हैं जो नाई का रेजर है अगर हम एक ही ब्लेड से कई लोगों को बनाते हैं या उसे फिटकरी आदि से नहीं धोते हैं तो भी हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में आप ध्यान रहे इन सभी चीजें। देखिए डोप, डोप यानी हम कह सकते हैं कुछ देश में, अक्सर देशों में देख सकते हैं नशे के लती जो लोग होते हैं वो सिरिंज के माध्यम से ड्रग्स लेने का काम करते हैं अपने ही नसों में, तो बार बार एक सिरिंज से वो अपने ही में डोप करते हैं जिसके कारण भी हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, हेपेटाइटिस हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं इन सब से बचने का हम प्रयास करें। हम देख सकते हैं फेशियल, जहां पे हम फेशियल कराते हैं, चाहे महिलाएं हो, ब्यूटी पार्लर हो, तो वहां भी जो उनके संसाधन है, संसाधन अगर साफ सुथरे नहीं है तो भी आपको हेपेटाइटिस होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती है। यहां पे हम देखते हैं रक्त एक दूसरे को देने से भी अगर थोड़ी सी हमको संक्रमित व्यक्ति का रक्त हमारे ऊपर चढ़ रहा है तो भी संक्रमण हो सकता है, और सुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है। देखिए हम कह सकते हैं संक्रमित व्यक्ति के रेजर का प्रयोग करने से, उसके नेल कटर का प्रयोग करने से, यूक्यूपंक्चर के भी माध्यम से हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन सब से अगर हम बचते हैं तो हमें हेपेटाइटिस रोग नहीं होगा। आइए और आगे चलते हैं, हम देख सकते हैं हेपेटाइटिस वायरस पांच प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई, यानी हेपेटाइटिस जो वायरस है वो पांच प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं बी और सी सबसे खतरनाक संक्रमण है, यानी हेपेटाइटिस वायरस में ये जो बी और सी है सबसे खतरनाक संक्रमण है। इनसे बचाव के लिए टीके भी लगाए जाते हैं, यानी बी और सी या सभी वायरस से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं, वही एक मतलब अच्छा उपाय है, अच्छा रास्ता है। दुनिया में हेपेटाइटिस हर सेकेंड में हर 30 सेकेंड में एक मौत हो रही है, यानी पूरे विश्व में हर 30 आधे मिनट में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस से मर रहा है। तो सोच लीजिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत में 3.53 करोड़ लोग इस वायरस के साथ जी रहे हैं, जिसे दूसरे स्थान पे, चीन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हम हेपेटाइटिस में हम दूसरे स्थान पे हैं, यानी 3.53 करोड़ लोग इस वायरस से जी रहे हैं। हर वर्ष समझिए किस तरह संख्या बढ़ रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जीएमयू के रिपोर्ट के अनुसार अब यहां के लोग नाई की दुकान में ब्लेड बदलने का दबाव दे रहे हैं और प्रयोग से पहले इस फिटकरी से धो करके प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं, जिसे काफी संक्रामक लगाम लगा है। कहने का मतलब है कि जीएमयू जो लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय लखनऊ का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर संक्रमण की जो खतरा थी तो जो नाई है, नाई के ब्लेड से, एक ब्लेड का प्रयोग 10 लोगों की सेविंग बनाने में वो करते थे। तो होता क्या था कि एक संक्रमित व्यक्ति अगर है तो उससे कई लोगों के साथ उस संक्रमण फैल जाता था। तो आज के जो युवा पीढ़ी है या आप कह सकते समझदार पीढ़ी है वह, और या जो नाई समझदार है वो एक ब्लेड से दूसरे व्यक्ति को सेविंग नहीं कर रहा या बाल की कटिंग नहीं कर रहा, इसलिए इस पे रोक लगा दिया गया है। लोग भी जागरूक हो गए हैं और कह रहे नहीं भैया पहले अपना जो हथियार है वह आप फिटकरी से धो लीजिए, पूरी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए, तब हमारे ऊपर इसका इस्तेमाल कर। यहां तक लोग घर से अब टॉवल्स भी लेके जा रहे हैं, उनका प्रयोग किया हुआ टॉवल्स भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं। इससे संक्रमण में काफी मतलब दबाव बना हुआ है और संक्रमण कम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं
2022 में नाई की दुकान से 40 संक्रमण आए थे, जो अब तक जमघट जो अब तक घट करके 7 रह गए। यानी हम कह सकते हैं 2022 में 40 संक्रमित व्यक्ति थे, लेकिन वर्तमान में घट करके आप 7 रह गए हैं। आज ही की रिपोर्ट में बता रहा हूं, आज का रिपोर्ट यह है आपका, आज हिंदुस्तान पेपर के लास्ट में आप देखेंगे तो सारा सूचना आपको देखने को मिल सकता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाई की दुकान से फैलने वाला जो हेपेटाइटिस था उस पर हम काफी कंट्रोल कर लिए हैं, और आप जागरूक हो जिससे कि मतलब आपको ना हो, संभावनाएं ना हो है प्रभावित अंग, यानी कौन से अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक है, लीवर को प्रभावित करता है। मैं लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी कैंसर का रूप धारण कर लेता है और व्यक्ति मर भी जाता है, इससे लीवर को अस्थाई क्षति पहुंचती है। अगर आपको हेपेटाइटिस हो जाता है तो अस्थाई रूप से लीवर इफेक्टेड हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के खून व शरीर के अन्य द्रव्य पदार्थों द्वारा यह संक्रमण दूसरे तक पहुंचता है। यानी अगर संक्रमित व्यक्ति का खून है, शरीर के जो अन्य द्रव्य है, वो जो पदार्थ है, एक दूसरे व्यक्ति तक अगर पहुंचता है तो उन्हें भी संक्रमण पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मरीज की लीवर कैंसर की वजह से मृत्यु हो सकती है। कभी कभी आप देखे होंगे बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोगों को सिरोसिस हो जाता है और वो मर जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीवर को पहुंचाने वाले सारे जो फैक्टर हैं, इसलिए हेपेटाइटिस से बचने का प्रयास करें। हेपेटाइटिस के लक्षण, यानी कैसे आप जानेंगे कि आपको हेपेटाइटिस या किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, तो लक्षण है डायरिया होना, भूख कम लगना, उल्टी आना, थकान लगना, तेज बुखार आना, पीलिया होना, पेट दर्द और सूजन, खुजली, अचानक से वजन कम हो जाना, ये सारे आपके लक्षण हेपेटाइटिस के हैं। अगर ऐसा किसी व्यक्ति को या आपको महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से आप सलाह लें, अपनी जांच कराएं, ब्लड का जांच कराएं, जिससे कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे बच सके या हमारा समाज बच सके। नेक्स्ट चलते हैं, हेपेटाइटिस से बचाव, यानी कैसे हम हेपेटाइटिस से बचेंगे, क्या करेंगे, हमें हेपेटाइटिस न हो, हमारे परिवार को हेपेटाइटिस न हो, मेरे देश में हेपेटाइटिस न हो, इस पृथ्वी पर हेपेटाइटिस न हो, आइए उससे समझने का प्रयास करते हैं। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, जो 3 चरणों में लगाए जाते हैं। टीके काफी प्रभावशाली होते हैं, यानी सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस से बचने के लिए टीके उपलब्ध हैं। आप समय से डॉक्टर से सलाह लेकर के 1 से 18 वर्ष के येस तक के लिए मुफ्त में सरकार के द्वारा टीके लगाए जाते हैं। आप डॉक्टर से संपर्क करके आप जो भी वो सजेस्ट करते हैं आप टीके लगवा लें, जिससे हेपेटाइटिस के खतरे से आप बच सकते हैं। हेपेटाइटिस छूने से नहीं फैलता है। अब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, उसको हम टच कर दिए तो इससे हेपेटाइटिस नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति की इस्तेमाल की गई वस्तुएं, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसका कुछ वस्तु है, जैसे रेजर, शेविंग करने वाला रेजर, कैंची, मूछ काटने वाला कैंची, वो तौलिया, उसके कपड़े, उसके टूथब्रश आदि का प्रयोग करने से समझे हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा, तो इससे आप बचें कि प्रयोग ना करना पड़े। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, संक्षेप में मैं बता दूं, हेपेटाइटिस WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। ये दूषित भोजन एवं दूषित पानी के सेवन करने से होता है। जो हेपेटाइटिस ए है, वो दूषित भोजन और दूषित पानी के प्रयोग करने से होता है और फिर वो बढ़ता जाता है। हेपेटाइटिस बी, जिसको यकृत शोथ ख, हेपेटाइटिस बी एक खामोश महामारी है। हेपेटाइटिस बी एक खामोश महामारी था, चुपचाप रहता है और आपको जब अपने आगोश में ले लेता तो बताता हम तुमको मारने वाले हैं। यकृत शोथ ख, हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थ जैसे वीर्य, योनि द्रव्य और लार के संपर्क के माध्यम से
हेपेटाइटिस बी के लक्षण पकड़ सकते हैं। अगर इनसे आपका रिलेशन है तो आपको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ऐसे में आप इस पे सावधानी बरतें जिससे आप हेपेटाइटिस से बच सकें। ये सारे अंग को प्रभावित करने वाला कारक है हेपेटाइटिस बी से कई तरह के लक्षण। हेपेटाइटिस सी क्या होता है? हेपेटाइटिस सी जो वायरस एचसीवी के कारण होता है, यह ब्लड और इंफेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है और अमेरिका में यह सबसे अधिक तब होता है जब लोग नसों में दवाएं डालने के लिए सुई साझा करते हैं। मतलब एक सुई और 10 नसेड़ी और एक नसेड़ी अपने में डाला, फिर उसको दिया, वो उसको दिया, उसको दिया। तो अमेरिका में इस तरह के बहुत केसेस हैं। हालांकि हर देश में नसेड़ी नसों में इतने इंजेक्शन से ड्रग्स को डालने का काम कर रहे हैं, तो एक नसेड़ी एक दूसरे को समझे उसी इंजेक्शन से डालता है तो हेपेटाइटिस सी होने का खतरा इससे ज्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हेपेटाइटिस डी। ये डी वायरस जो हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस जो है डेल्टा वायरस जिसको बोलते हैं के कारण होता है। जो लोग पहले से एचबीवी वायरस के इंफेक्टेड होते हैं वही इस वायरस के संक्रमित होते हैं। हम कह सकते हैं जो एचबीवी वायरस के इंफेक्टेड होते हैं वही हेपेटाइटिस डी के संक्रमित होते हैं। हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस ई वायरस जिसको हम कह सकते हैं एचईवी के कारण होते हैं। ये कारण होता है दुनिया से ज्यादा देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण का यही कारण है कि विषाक्त पानी और खाना के कारण समझिए कि ज्यादा हो रहा। हम कह सकते हैं कि आप शुद्ध ताजा भोजन करने का प्रयास करिए, इस समय का उस समय भोजन करने का प्रयास ना करें। शुद्धता के साथ स्वच्छ पानी के का प्रयोग करें, हाथ को धुलें जिससे संक्रमण से बचें। इसके लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं कल आपसे मिलता हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।